अस्त्र शस्त्रों के बड़ी तीव्रता से महाभयानक युद्ध हुआ तीक्ष्ण अस्त्रों से। छोड़े अपने दिव्य अस्त्र अंबिका ने शौर्य पराक्रम से, शुंभ ने लेकिन काट गिराए रत्ती भर के श्रम से। शुंभ भी भारी अस्त्रों को चलाने का कर रहा था कष्ट, पर देवी हुंकार से ही कर देती थी उनको नष्ट। दानव ने बाणों से देवी को कर दिया आच्छादित, देवी ने क्रोधित हो उसका धनुष कर दिया विभाजित। लिए दौड़ा शुंभ ज्यों करने को देवी का अंत, चक्र से देवी माँ ने काट दी उसकी शक्ति तुरंत। सौ चंद्रमय ढाल लिए और चमचमाती तलवार, लेकर चला दैत्यराज अब देवी का करने संहार। बढ़ा सोचे देवी हाथ धोएगी प्राणों से, ढाल और तलवार नष्ट की देवी ने तब बाणों से। धनुष टूट कर बिखर गया, पड़े थे अश्व मरकर, तब देवी को मारने को उठाया दैत्य। संभल कर देवी के सामने हुआ खड़ा, उठा लिया उसने देवी को और हुआ नभ में साकार। देवी युद्ध लगी करने आकाश में निराधार। भयानक युद्ध देख कर देवता मुनि अचंभित थे, निराधार लड़े शुंभ और देवी सबको कर रहे विस्मित थे। वो विलंब तक चला युद्ध था देवी दिखी विलक्षण, तभी घुमा कर शुंभ को पटका क्रोध से देवी ने तत्क्षण।
हार न मानी दुष्ट तभी उठ खड़ा हुआ तत्काल। दौड़ा अति वेग से देविका बनकर मानो काल। जैसे ही देखा देवी ने दौड़ताए शुंभ, त्रिशूल से भेदी उसकी छाती देवी ने अविलंब। धरती सागर कांप उठे और थर्रा उठे पहाड़, दहली सारी सृष्टि गिर गया शुंभ मार के दहाड़। दुरात्मा के वध से था जगत में फैला प्रकाश, शांत हो गई धरा और स्पष्ट हुआ आकाश। हुए देव और गंधर्व होने लगा नंदोत्सव, अप्सराए करे नर्तन। सूर्य की आभा दमक उठी, वायु के खुले सब बंधन। हुई प्रज्वलित यज्ञशालाएं, शुद्ध हुआ वातावरण, शांत हुआ सारा कोलाहल, हट गए समस्त आवरण।